अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ अभद्र टिप्पणी करने पर सभी धर्म के समाजों में रोष, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को सौंपा ज्ञापन। बड़ी ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद फैज हसन सफवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार से मिलकर ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कहा कि न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन द्वारा टीवी शो आर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ को अक्रांता चिश्ती, हमला करने वाला चिश्ती और लुटेरा चिश्ती वीडियो में 38 मिनट पर बोलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सख्त तौहीन करते हुए देखा व सुना है, जो कि न्यूज 18 इंडिया के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर अपलोड है। मौलाना सैयद फैज हसन सफवी ने कहा कि एंकर अमीश देवगन ने इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमानों की आस्था व भावना को ठेस पहुंचाई है। ऐसे एंकर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए ताकि देश में आपसी सौहार्द बना रहे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मास्टर कमलेश कुमार रावत ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती विश्व प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह सभी धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां पर हर धर्म व जाति के लोग आस्था के साथ हाजिरी देते हैं। ऐसे टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। ताज्जुब ये है कि लोग इतने खुल करके बोलते हैं और उन पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है और उन्हें ना किसी चीज का डर है और ना किसी चीज का उनके ऊपर दबाव है। तो साथ ही साथ एक मांग ये भी करी गई है डीएम साहब से कि खाली उन्हीं पे कार्रवाई ना हो बल्कि इनके पीछे जो ताकतें हैं इनकी और इनके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन पे भी कार्रवाई पूरी की जाए। का नाम? मेरा नाम संदेश रावत है जी। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। साथियों, शिक्षक होने के नाते इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको तोड़ने वालों ने जिस तरह से प्रयास किया है और कर रहे हैं, इसके खिलाफ मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि इसकी लड़ाई जो लड़ी जाए ये विधिवत तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि अमीश देवगन जैसे जो है यहां पे राक्षस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आज जो उन्होंने जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दिखाया है और उनको उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम के विषय में कहा है कि इस्लाम को जो है कि तलवार के बल पर कबूल किया गया है, मैं इसका जो है कि खारिज करता हूँ कि इस्लाम जो है प्यार मोहब्बत के दम पे जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो लोग ये कहते हैं कि तलवार के बल पर जो है कबूल कराया गया है ये बिल्कुल निहायत गलत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस्लाम प्यार मोहब्बत के दम पर ही पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसको कभी भी तोड़ने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए हम और हमारे साथ हजारों के भीड़ में कोरोना की वजह से नहीं आए, नहीं तो यहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय में हजारों की भीड़ में इकट्ठा होते और अमीश देवगन जैसा बेकार व्यक्ति जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देते।